नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं रामसर साइट में 10 नए एडिशंस किए गए हैं भारत की तरफ से, उनके बारे में। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यूपीएससी 2020 के प्रीलिम्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि श्योर शॉट एक क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, क्योंकि ये एनवायरमेंट इकोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वेटलैंड से, रामसर से कई बार सवाल पहले भी पूछा जा चुका है। तो 10 नई साइट्स हैं, कहां पर स्थित हैं, क्या उनकी खासियत है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिएगा। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर इन आईडीज पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स की अपडेट्स आपको यहां पर मिल जाएगी और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप टेलीग्राम चैनल से। स्टडी आईक्यू का सिविल सेवा परीक्षा के लिए पेनड्राइव कोर्स उपलब्ध है। इस कोर्स पर 31 जनवरी तक डिस्काउंट चल रहा है बसंत पंचमी के उपलक्ष्य पर। तो अगर आप इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट studyiq.com विजिट कीजिए। 28 जनवरी 2020 को यूनियन मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज श्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह अनाउंस किया कि भारत की तरफ से 10 वेटलैंड्स को रामसर साइट की लिस्ट में जोड़ दिया गया है और इन साइट्स के जुड़ने के बाद अब भारत में रामसर साइट्स की संख्या हो गई है 37। तो देश के लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा सिलेबस बढ़ गया है। चलिए कोई बात नहीं, इसको भी हम आसानी से कवर कर लेंगे। तो ये साइट कहां पर ऐड करी गई है, पहली बात लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स में, और इस लिस्ट में कौन से वेटलैंड्स को जोड़ा जाता है। ये वो वेटलैंड है जो रामसर कन्वेंशन के द्वारा इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के माने जाते हैं। सबसे पहले ये जानो कि वेटलैंड का मतलब क्या होता है। वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि या फिर गीली भूमि, जहां पर कुछ हिस्सा हमेशा पानी के अंदर रहता है। तो ये साल के 12 महीनों में भी हो सकता है या फिर हो सकता है केवल मॉनसून के 4-5 महीनों में ये जमीन पानी के अंदर रहती हो। कुल मिलाकर ये ऐसा एरिया है जहां पर पानी भी है, जमीन भी है, और ये ओशंस से इस बात में अलग है कि यहां पर वेजिटेशन देखने को मिलती है। आपको पेड़ पौधे, अलग अलग तरह के पक्षी, ये सभी देखने को मिलेंगे वेटलैंड्स में। तो ये एक टिपिकल वेटलैंड का फोटो है। वेटलैंड्स अपनी स्पेशल एनिमल डाइवर्सिटी, प्लांट डाइवर्सिटी, बर्ड स्पीशीज के लिए फेमस होते हैं, और कई तरह के वेटलैंड्स हैं जहां पर इंसान का हस्तक्षेप भी है, इंसान रहते भी हैं उसके आसपास। कई जगह यहां पर ह्यूमंस का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो वेटलैंड्स कई तरह के डिफरेंट लैंडस्केप्स के रूप में देखा जा सकता है। 1971 में ईरान के एक शहर रामसर में कई देश मिले और उन्होंने ये तय किया कि वेटलैंड्स को बचाने की आवश्यकता है, इनका जो इकोलॉजिकल कैरेक्टर है वो मेंटेन रहना चाहिए। तो 1971 में ये समझौता हुआ और इसके बाद 1975 से ये लागू हो गया। आज इसमें 171 देश हैं जो रामसर कन्वेंशन को साइन कर चुके हैं, और इसी कन्वेंशन के तहत एक लिस्ट बनाई गई है जिनमें उन वेटलैंड्स को रखा गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट माने गए हैं इस कन्वेंशन के द्वारा, और उन वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना सरकारों की जिम्मेदारी हो जाती है। दे आर प्रोटेक्टेड अंडर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस ऑफ द कन्वेंशन। वेटलैंड्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? देखिए, वेटलैंड्स हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है इकोसिस्टम में। फूड, वाटर, फाइबर, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पानी को शुद्ध करते हैं, उसे प्योरीफाई करते हैं, फ्लड्स को मॉडरेट करते हैं। जब बाढ़ आती है तो काफ़ी पानी सोख लेते हैं वेटलैंड्स, इरोजन को रोकते हैं, क्लाइमेट रेगुलेशन करते हैं। तो आप देखिए, जैसे अगर बाढ़ जब आती है तो काफ़ी सारा पानी यहाँ पर वेटलैंड्स में स्टोर हो जाता है। उसके अलावा ये पानी को प्योरीफाई भी करते हैं, ये एक तरह से नेचुरल सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम करते हैं। इनके अंदर से क्रॉस होने के बाद पानी काफ़ी हद तक शुद्ध हो जाता है और आगे जाकर वो नदियों में मिल जाता है। तो यहाँ पर वेटलैंड्स के कई तरह के यूज़ हैं। ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करता है ये, और हमारी वाटर सिक्योरिटी के लिए वेटलैंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सरकार इस पर काफ़ी ध्यान दे रही है, क्योंकि सरकार का लक्ष्य क्या है, 2024 तक हर घर में पानी पहुंचाना वाया पाइप यानी नल से जल। और उस स्कीम के तहत पानी आएगा कहाँ से? तो पानी तभी आएगा ना जब नेचुरल रिसोर्सेस में होगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट वेटलैंड्स पर काफ़ी कॉन्सेंट्रेट कर रही है। तो गवर्नमेंट ने पिछले 6 महीनों में, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज लागू करी हैं वेटलैंड्स को रिस्टोर करने के लिए, उन्हें प्रिजर्व करने के लिए, जिसमें उनका बेसलाइन डेटा तैयार किया गया, हेल्थ कार्ड तैयार किया गया, वेटलैंड मित्र बनाए गए जो उन वेटलैंड्स का ध्यान रखते हैं या फिर उसके बारे में डेटा इकट्ठा करते हैं, और टारगेटेड इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान बनाए गए। और इसी पॉलिसी के तहत रामसर कन्वेंशन के साथ काम करके इन 10 नई साइट्स को कन्वेंशन की लिस्ट में ऐड करवाया गया है। दुनिया भर में 2300 रामसर साइट्स हैं, यानी उस लिस्ट में 2300 साइट्स का नाम है। भारत की अभी तक केवल 27 साइट थी, लेकिन अब 37 हो चुकी हैं। दुनिया भर में रामसर साइट्स 2.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करती हैं, और भारत में 10,000 स्क्वायर किलोमीटर या फिर 10,67,000 हेक्टेयर एरिया कवर किया जाता है। ये सरफेस एरिया है।
तो ये वो 10 साइट्स हैं जिन्हें ऐड किया गया है रामसर लिस्ट में. इनमें से एक है महाराष्ट्र में, ये वाली 3 है पंजाब में, यानी 2, 3, 4 पंजाब में है, और 5 to 10 जो है ये सभी हैं उत्तर प्रदेश में. तो ये बात याद रखना है, ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है. महाराष्ट्र में पहली रामसर साइट है, पंजाब में ऑलरेडी मौजूद थी 3 साइट्स, अब 3 और आ गई हैं, उत्तर प्रदेश में 1 साइट थी, अब 6 और ऐड हो चुकी हैं. आइए सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की नांदूर मढ़मेश्वर बर्ड सेंचुरी के बारे में. तो महाराष्ट्र में अभी तक कोई भी रामसर साइट नहीं थी, तो ये पहली और इकलौती रामसर साइट है. नासिक जिले में ये स्थित है, नॉर्दर्न महाराष्ट्र में, और यहाँ पर पहले से एक बर्ड सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसे भरतपुर ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि भरतपुर राजस्थान में स्थित है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, उसके लिए वो फेमस है, तो इसे भरतपुर ऑफ महाराष्ट्र कहा जाता है. ये इसकी लोकेशन है, आप याद रखिएगा, अप्रॉक्सीमेट लोकेशन आपको पता होनी चाहिए अगर कभी मैप मार्किंग में पूछा जाता है तो. पंजाब में पहली साइट है केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व. ये भारत का पहला कम्युनिटी रिजर्व है जो नोटिफाई किया गया था, और इसका जो मैनेजमेंट है बहुत ही आदर्श माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोकल लोग और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दोनों मिलकर इस कम्युनिटी रिजर्व को मैनेज करते हैं, और ये दुनिया के भारत के बाकी सभी कम्युनिटी रिजर्व के लिए एक रोल मॉडल माना जाता है. इसकी लोकेशन है गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि उत्तरी पंजाब में स्थित है, रावी और ब्यास नदियों के बीच में, और यहाँ का पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट जो है उसके कारण कंजर्वेशन काफ़ी अच्छा है, और कई माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर सर्दियों में देखी जाती हैं. ये एक बहुत ही विहंगम दृश्य है इसी केशोपुर मियानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का या बर्ड सेंचुरी का. आप देख सकते हैं यहाँ पर कई माइग्रेटरी बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगी. इसकी लोकेशन क्या है? गुरदासपुर, याद रखना, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट है नॉर्दर्न पंजाब में, यहाँ पर ये स्थित है. सेकेंड है ब्यास रिवर. तो पूरी ब्यास नदी जो है पंजाब में 185 किलोमीटर का उसका स्ट्रेच है, तलवाड़ा कंजर्वेशन रिजर्व से लेकर हारी के हेडवर्क्स तक, उसे भी रामसर साइट घोषित कर दिया गया है. तो नदी के जो किनारे होते हैं वो भी बहुत ही फर्टाइल ग्राउंड्स होते हैं इस इकोसिस्टम के लिए. तो ये जो ब्यास नदी के किनारों का एरिया है ये पूरा अब एक रामसर साइट घोषित है. 2 साल पहले पंजाब सरकार ने पूरी ब्यास नदी को एक कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर दिया था. आई होप आपको कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व के बीच का फर्क मालूम है. तो ये कंजर्वेशन रिजर्व इसलिए भी फेमस है क्योंकि ब्यास नदी में घड़ियाल्स को सक्सेसफुली रीइंट्रोड्यूस किया गया था, और अब प्लान चल रहा है कि डॉल्फिन्स को भी रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा. तीसरी साइट है नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ये वही नंगल है जो भाखड़ा नंगल डैम आप सुनते हैं, तो जो नंगल डैम है वो उसी के पास में ये नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है. रूपनगर और नंगल दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के पास में है ये, सतलज नदी के किनारे. तो इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन आप यहाँ पर देखिए, ये है नंगल, और यहाँ से ही जो सतलज नदी है वो पंजाब में एंटर करती है. तो इसी सतलज नदी के किनारे ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और यहाँ पर स्थित है गुरदासपुर, और ये पूरी आ रही है ब्यास नदी. जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये ब्यास है, और ये वाली जो नदी आपको देखने को मिल रही है ये है सतलज. तो सतलज और ब्यास दोनों जहाँ मिल जाती है वहाँ पे हारी के वेटलैंड्स बनते हैं, वो भी एक रामसर साइट है. तो पंजाब में ऑलरेडी 3 वेटलैंड्स रामसर साइट्स हैं. क्या आप मुझे हारी के अलावा बाकी दोनों के नाम बता सकते हो? जो पंजाब से हैं खास करके उन्हें तो ये पता होना चाहिए, कमेंट्स में बताओ. ठीक है, तो गुरदासपुर, ब्यास नदी, और तीसरा है नंगल. तो ये 3 साइट्स हैं पंजाब में. उत्तर प्रदेश में 5 बर्ड सेंचुरीज और 1 तालाब को एक साथ शामिल किया गया है रामसर लिस्ट में. तो ये उत्तर प्रदेश राज्य के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है. इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट कि 6 साइट्स एक साथ एक ही राज्य से सिलेक्ट करी गई हैं. इनके नाम हैं नवाबगंज, पार्वती अरंग, समन, समसपुर, सांडी और सरसई नवार लेक. तो ये सारी 5ों तो बर्ड सेंचुरीज हैं, और ये वाला एक तालाब है. अब यहाँ पर कंफ्यूज होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि 4 के नाम तो देखो एस से शुरू होते हैं, प्लस इनकी लोकेशन अगर आपसे पूछी जाएगी तो आप और ज़्यादा कंफ्यूज होगे. पहला है नवाबगंज. तो नवाबगंज कहाँ पर स्थित है? उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में. आगे डिटेल्स बताऊंगा सबकी, वहाँ पर भी फिर से आपको मिल जाएगी तो लिखने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पर यह है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी की लोकेशन, उन्नाव जिले में, कानपुर और लखनऊ के बीच में. सेकेंड है पार्वती अरंग, गोंडा जिले में. गोंडा जिले के अंदर ये जो 13 लिखा हुआ दिख रहा है शायद अगर आप देख पा रहे हो, तो ये है पार्वती अरंग. अब काफी हैरानी की बात है कि जितने भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है सब में इसका नाम गलत लिखा हुआ आ रहा है, पार्वती आगरा लिखा हुआ आ रहा है. तो इसके कारण आप सोचोगे कि ये आगरा में स्थित है. नहीं, ये गोंडा जिले में है. पूरा डिवीजन ही अलग है, एरिया ही अलग है. आगरा तो यहां पर स्थित है और ये पार्वती अरंग यहां है. तो जो मंत्री जी ने ट्वीट किए हैं और PIB तक की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है उसमें भी नाम गलत लिखा हुआ है, और मैंने PIB को मैसेज तो किया है, देखते हैं कि वो उसे करेक्ट करते हैं या नहीं. तीसरा है समन. समन कहां पर स्थित है? समन है यहां पर मैनपुरी जिले में. तो मैनपुरी इटावा के पास में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी है समन का. चौथा है समसपुर, जो कि है रायबरेली जिले में स्थित, यहां पर. और उसके बाद है सांडी. तो सांडी है हरदोई जिले में, हरदोई सेंट्रल UP में स्थित है, यहां पर है हरदोई में सांडी बर्ड सेंचुरी.
और आखिरी है सरसई नवार जो कि स्थित है इटावा जिले में। तो ये यहाँ पर इटावा जिले में है। तो ये 6 लोकेशन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए लोकेशंस आपसे डायरेक्टली नहीं पूछी जाएगी, यूपीएससी पूछेगा, बिल्कुल कम चांसेस हैं। लेकिन जो स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं या फिर कोई भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आप एग्जाम दे रहे हो तो वहां पर ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है या फिर किस नदी के किनारे या कौन सा बड़ा तालाब है उसके किनारे पर ये सभी साइट स्थित है। तो नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है उन्नाव में, इसको चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी का भी नाम दिया गया है। यहाँ पर भी कई इंटरनेशनल और नेशनल माइग्रेटरी बर्ड्स देखने को मिलती हैं जिनके नाम काफी खतरनाक से होते हैं, मुझसे खुद से प्रोनाउंस नहीं होते। गार्गने टील, मैलार्ड, पर्पल मूरहेन, लिटिल ग्रेब, स्पूनबिल डक, रेड वॉटल्ड लैपविंग और विगॉन। अगर कोई पक्षी प्रेमी है और मैंने नाम गलत प्रोनाउंस किया है तो एडवांस में माफी चाहता हूँ। पार्वती अरंगा, ध्यान रखना पार्वती आगरा नहीं है। तो पार्वती और अरंग दो तालाब हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं और यहाँ पर इको टूरिज्म की काफी संभावना है और बर्ड्स यहाँ पर भी आती हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स। समन बर्ड सेंचुरी स्थित है भोगाव नाम की जगह के पास में। तो भोगाव कस्बा है मैनपुरी जिले में, इटावा के पास में। इटावा और मैनपुरी दोनों एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं और ये 1990 में बर्ड सेंचुरी या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दी गई थी क्योंकि यहाँ पर क्रेन्स की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, काफ़ी बड़ी क्रेन पॉपुलेशन आती है। उसके अलावा यहाँ पर पेंटेड स्टॉर्क, ब्लॉक नेक स्टॉर्क, ओपन बिल्ड स्टॉर्क और वूली नेक स्टॉर्क भी देखे जाते हैं। यहाँ पर एक स्टॉर्क आप देख सकते हैं, ये कौन सा वाला स्टॉर्क है ये मुझे भी नहीं पता। अगर आप में से कोई इसको आइडेंटिफाई कर सकता है, बर्ड लवर है या फिर उसी फील्ड से है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, एनलाइटन अस ऑल। फिर है समसपुर बर्ड सेंचुरी, ये रायबरेली जिले में स्थित है। रायबरेली लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी वही है जहां से लगातार 5 बार सोनिया गांधी जी ने चुनाव जीता है, उस तरह से कनेक्ट करके याद रख सको तो रख लेना। इट इज़ नोन फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ बर्ड स्पीशीज इंक्लूडिंग वेरियस माइग्रेटरी बर्ड्स। यहां पर 250 से भी ज़्यादा स्पीशीज देखने को मिलती हैं जिनमें वल्चर, किंगफिशर्स, स्पॉट बील, टील अन्य शामिल हैं। ये समसपुर बर्ड सेंचुरी का एक फोटो है। एक बात आप नोटिस करोगे कि जो भी वेटलैंड्स हैं जहाँ पर बर्ड्स आते हैं वहाँ पर पानी ज़्यादा गहरा नहीं होता, उथला पानी होता है ताकि बर्ड्स आराम से यहाँ पर खड़ी हो सकें और अपना भोजन ढूंढ सकें। फिर है सांडी बर्ड सेंचुरी, ये है हरदोई ज़िले में और इसको बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री ने अपनी लिस्ट में कहा है इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया। तो ये फैक्ट वैसे यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट अन्य एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो आपको लोकेशन बस पता होनी चाहिए, सांडी बर्ड सेंचुरी इज सिचुएटेड इन हरदोई डिस्ट्रिक्ट। आखिरी साइट है सरसई नवार तालाब, ये इटावा जिले में स्थित है और इसकी खास बात यह है कि यहां पर कोई बर्ड सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मौजूद नहीं है, दिस इज अ कंप्लीटली अनप्रोटेक्टेड वेटलैंड। यहां पर दो छोटे तालाब हैं जहां पर काफी बड़ी संख्या में सारस क्रेन देखने को मिलती है, तो सारस क्रेन्स की बहुत बड़ी संख्या है यहां पर और उसके अलावा व्हाइट एबिस जैसी बर्ड्स भी देखने को मिलती हैं। तो ये आप इसका फोटो देख सकते हैं यहाँ पर और ये आबादी के आसपास स्थित है, यहाँ पर अभी प्रोटेक्टेड एरिया घोषित नहीं किया गया है। जाते जाते आप लोगों के लिए एक सवाल है, भारत के कौन सी वेटलैंड्स हैं जो मॉन्ट्री रिकॉर्ड में दर्ज है। मॉन्ट्री रिकॉर्ड में शामिल भारतीय वेटलैंड साइट्स का नाम मुझे बताइए, अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर टाइप कीजिए, नहीं तो मेरे फेसबुक पेज पर यहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।